नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पुराने टॉपिक पे। लॉकडाउन में भी मैंने एक वीडियो डाला था, सब लोगों को पता ही है भाई कुवैत सरकार नया एक अध्यादेश लेबर ला कानून लेके आ रही है, जिसमें लगभग लोगों को कुवैत से निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण यानी समांतरण यानी वहाँ की पब्लिक कम है, बाहर की पब्लिक ज़्यादा हो गई, तो उसको सम्मान करना यानी बराबर रखा जाए, इससे रिलेटेड सरकार अभी ये मांग तेज़ हो रही है। 70% वर्करों को निकालने का अभी ये जो अभियान है वो जोर पकड़ रहा है, और निर्वासन यानी उनको निकाला जाए कैसे भी, साम दाम दंड भेद करके। तो कुछ नई अपडेट आई है, इससे रिलेटेड आपको जान लेना चाहिए कि वही सरकार क्या चाहती है, वहाँ की लोग क्या सोचते हैं वर्करों के बारे में, कि उनको निकालना हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है, कुवैत के लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में समस्याओं का सामना हमें न करना पड़े। क्योंकि भाई जहां जनसंख्या बढ़ेगी, जहां लोग बढ़ेंगे, वहां क्राइम भी होंगे, लड़ाई झगड़े लूट कसोट बेरोज़गारी या फिर और भी बहुत सारे जो गलत काम होते हैं वो होंगे, थोड़े लोग होंगे वहाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन लोगों की ये सोच बन चुकी है, 70% लोगों को उन्होंने निर्वासन का यानी निकालने का सोच रखा है। उनकी सोच क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो रिपोर्ट मेरे पास आई है आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूँ 23 अक्टूबर, जी हाँ साथियों, कुवैत सरकार ने इस निर्णय पर बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कुछ एक बैठक आयोजित की गई है सरकारी स्रोतों से। सरकारी जो महकमे मान लीजिए या वहाँ के राजनेता मान लीजिए, पब्लिक मान लीजिए, उन्होंने उनके विचार जाने के, तो इसमें यह तय हुआ है कि 70% वर्करों को, लोगों को निकाला जाए अपने देश से, उन्हें पुष्टि कर दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना में निजी क्षेत्र से 160% लोगों को यानी लगभग लोगों को निकालने की पूरी पूरी योजना सरकार ने बना ली है, इसको कन्फर्मेशन मिल चुका है भाई, मिलेगा ना। आज आप देखिए, आज से लगभग 30 साल पहले कुवैत वाले सब यही काम करते थे जो आप लोग वहाँ पे कुवैत में कर रहे हो ना। टोटल के टोटल मतलब गार्डनरी, खाना बनाना, ढुलाई करना माल, ये तो जो जितने भी वर्करों के काम है ये सब कुवैत वाले करते थे। लेकिन धीरे धीरे विदेशी पहुंच गए, वो अलग मैटर कहानी है भाई, वो अलग कभी बात करेंगे। ये लोग वही काम करते थे जो आप काम कर रहे हो, इसलिए वो सोचते हैं कि हम उसी ड्रे पे वापस आना चाहते हैं ताकि हमें विदेशी लोग परेशान न करें हमारी जनता को। समिति के अध्यक्ष हैं खलील अल सले ने कहा कि कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें वैसे भी संकट आने वाला है और कुवैत में इस रियल स्थिति का आंकलन होना भी बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा समस्याओं का हमें सामना न करना पड़े, हमारी जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो ये लागू करने जा रहे हैं उसमें सरकार का पूरा सपोर्ट है और नगर परिषद इस नियम को लागू करने के लिए सरकार और परिषद के बीच पूरा हमें सपोर्ट मिला है कि ठीक है इसको लागू कर दीजिए। उन्होंने आगे ये बताया कि वर्कर जितने कम होंगे उतना हमारे फायदा होगा, वर्करों की दक्षता का पता लगेगा, गुणवत्ता का पता लगेगा, यहाँ के लोग भी उस काम में जा सकेंगे जो अभी एकदम निष्क्रिय होकर बैठे हैं, भीड़ कम होगी हमारे देश में, मुख्य स्थिति में सुधार होगा, आए दिन कहीं कोई को मारता है, कोई किसी को पीटता है, कोई मर्डर कर देता है वगैरह वगैरह, इस स्थिति को भी सुधार होगा क्योंकि भाई भीड़ बढ़ेगी तो क्राइम होंगे। दूसरी बात उनका यह भी कहना है कि श्रमिक ज्यादा आ रहे हैं, कोई किसी का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उनकी स्थिति में भी सुधार होगा सरकार की तरफ से। साथ ही कुछ नकारात्मक हमारे देश में एक्टिविटी हो रही है वो उनको खत्म होगा, हत्या लूटपाट इन चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि भाई जितने लोग कम होंगे हम उनकी अच्छे से कुवैत लेबर लॉ लागू कर पाएंगे, उनकी हितों की रक्षा कर पाएंगे, लेबरों की, वर्करों की, और उनको अच्छी सैलरी दे पाएंगे, यानी उनका भी कुछ जो कम होंगे तो उनका अच्छा मतलब रेंसन होगा, हमारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। आगे उन्होंने ये भी बताया कि भाई इसको हम तत्परता से काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो कानून है वो लागू हो जाए, न कि कागजों में बन के रह जाए। बस ये जानकारी देनी थी साथियों कि ये नियम भैया अभी तक लागू नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस चल रहा है, सहमतियाँ लेनी पड़ती हैं, नियम बनने के बाद इतना आसान नहीं होता। इंडिया में भी देखा होगा आज जो कानून बन रहा है 6 महीने बाद लागू होता है, अभी ओमान में जो वेयर टैक्स का है वो 180 दिन यानी 6 महीने बाद लागू होगा, वैसे ही इसमें तो नए साल में अंदाज चालू हो जाएगा, तो फिर वो कोटा कम हो जाएगा। इसीलिए कुवैत सरकार ने एक प्लान खेला है कि जो लोग विदेश गए थे छुट्टी, वीज़ा एक्सपायर हो गए, उनका वीज़ा रिन्यू नहीं करना ताकि मैटर क्लोज हो जाए उनका नए सिरे से, वरना वहाँ जाके उनको निकालना मुश्किल होता है, जो पहुँच गए उनको आने ही नहीं देना है, कितने लोग हैं, तो वैसे ही मैटर ख़त्म हो जाएगा। बस जानकारी देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।